जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज जो आप ये मोटर देख रहे हैं, ये 2 HP का किलोस्कर KDS 213 है और इसको आज हम वाइंडिंग करने जा रहे हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसमें कुछ तार इंस्टॉल कर रखे हैं। आज दोस्तों हम लोग इसके विषय में जानेंगे और इसके डाटा के विषय में जानेंगे, सारा कुछ जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिए, मैं एक एक जानकारी आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। और यह जो मोटर है दोस्तों, यह दोस्तों 440 सिंगल फेज और डबल फेज दोनों पे आपका वर्क कर। तो अब इस मोटर के विषय में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो आप जो ये मोटर देख रहे हैं, ये किलोस्कर का मॉडल नंबर KDS 213 है और दोस्तों ये 230 वोल्ट से वर्क करना शुरू करेगा और आपका 440 पे भी वर्क करेगा। तो चलिए अब इसके विषय में हम लोग जानते हैं। आप जो इसमें देख रहे हैं, इसमें कुल 24 खांचे होता है, 4 आपको छोटे छोटे खांचे मिलेंगे जो कि किलोस्कर में होता है, आप देखे होंगे। तो चलिए ये किलोस्कर का जो हम वाइंडिंग कर रहे हैं, इसमें डाटा कुछ अलग है। इससे पहले जो आप लोग किलोस्कर का वाइंडिंग डाटा देखे हैं वो कुछ अलग है, क्योंकि ये मॉडल नंबर KDS 213 है तो इसका डाटा हमने चेंज किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमने रनिंग का दोनों कॉइल इंस्टॉल कर चुके हैं, स्टार्टिंग का एक कॉइल डाले हैं और एक कॉइल इस फर्मे पे लगा हुआ है। देखिए, आप लोग कमेंट करते हैं और कमेंट में सिर्फ स्टैंपिंग का कोर साइज बतला देते हैं, लेकिन उस मोटर का आप लोग नाम नहीं बता पाते हैं। अगर जब तक नाम नहीं बताइएगा तब तक हम कैसे आपको डाटा सटीक बतला सकेंगे। और देखिए, बहुत सारे आदमी कमेंट करके पूछता है कि सर इसका कॉइल का लेंथ कितना होगा, तो मैं वह भी आप लोगों को आज बतला दे रहा हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप हमारे मिस्टर बजरंगी टेक्नीशियन चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, मैं शुद्ध देहाती भाषा में आपको सटीक डाटा देता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि मेरे डाटा से किसी का भला हो, तो इसलिए मैं जो करता हूँ वही आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। और दोस्तों, आपको इसमें कैपेसिटर जो यूज करना है वह 50 MFD 440 वोल्ट का यूज करना है। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि इसका कोर का साइज 4 इंची है, तो आपको क्या करना है, इस फर्मे के बीच में आप जैसे कि ये फर्मे देख रहे हैं, इसके बीच में आपको स्केल लगाना है इस तरह से। और देखिए, आपको 6 इंची इसका फर्मे का दूरी रखना है, दोनों तरफ से 6 इंच में रखिएगा तो आपका रनिंग और स्टार्टिंग का दोनों कॉइल बन जाएगा। अब चलिए दोस्तों, इसके डाटा के विषय में जान दोस्तों, मैं पुनः बतला रहा हूँ कि ये किलोस्कर कंपनी का KDS 213 मॉडल है। तो इसमें जो हमने डाटा दोस्तों यूज किए हैं वह दोस्तों 21 नंबर डबल वायर गेज कॉपर में यूज किए हैं। और दोस्तों, ये 2 पोल में मोटर मेरा बन रहा है, यानी कि 2 पोल में कहने का मतलब हुआ कि आपका 4 लच्छी आपका रनिंग का एक तरफ लगेगा और 4 लच्छी एक तरफ लगेगा और 2 2 लच्छी आपका स्टार्टिंग का बन जाएगा। तो ये दोस्तों 4 2 यानी कि 2 पोल में मोटर वाइंडिंग हो रहा है। और दोस्तों, जब भी आप इसमें पैकिंग लगाइए तो आप 10 नंबर का PVC सीट इंस्टॉल करें। अगर दोस्तों आप 7 नंबर का गलती से भी कर दीजिएगा तो आपका मोटर जल्दी जल जाएगा, इस बात को आपको हर वक्त ध्यान में रख के चलना है। तो दोस्तों, आपने रनिंग का डाटा जान लिए हैं, प्रत्येक लच्छी में आपको 21 नंबर वायर से 40-40 टर्न देना है, 21 नंबर वायर गेज कॉपर में रहेगा। आप मिलन कंपनी का दिए तो सबसे बेस्ट रहेगा। और दोस्तों, 40 से 41 टर्न आपको प्रत्येक लच्छी में डालना होगा। दोस्तों, 21 नंबर डबल वायर से आपको रनिंग डालना है, 21 नंबर एक साथ डबल वायर चलेगा, आपको रनिंग में प्रत्येक लच्छी में 41-41-40-41 टर्न करके चलना है। और दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको प्रत्येक लच्छी में 20 नंबर वायर गेज से 41-41 टर्न देना है, 20 नंबर कॉपर वायर गेज रहेगा आपका स्टार्टिंग में। और दोस्तों, टर्न्स रहेगा 41-41। और दोस्तों, स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में आप 10 नंबर का ही PVC सीट दे करके इसको अलग करें और धागा से बांधें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। और दोस्तों, यह जो पानी फेंकेगा दोस्तों, तो ये 3 से 4 फीट आगे पानी फेंकता है,
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप जितना लाइक और कमेंट कीजिएगा तो मैं उस तरह से सभी मोटर का मॉडल नंबर बताते हुए आपको वीडियो बना करके दे देंगे और सटीक डाटा देंगे। दोस्तों आप इस डाटा से बनाइए, आप 440 पे भी चलाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मोटर एकदम शानदार चलेगा दोस्तों, 2 साल तक भी नहीं जलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डाटा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।